हेलो चिल्ड्रंस, आज हम कुछ और वाक्य देखेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर कुछ आज हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी लिए हैं और कुछ सामान्य टेंस जो सेंटेंसेस होते हैं टेंस के वो लिए हैं। तो पहला वाक्य हमने लिया है, क्या हम स्कूल समय पर पहुंच जाएंगे। अभी पहुंच जाएंगे जो है वो कब होने वाला है, वो काम फ्यूचर में, भविष्य में। तो उनको ये अभी पहुंचे नहीं है, वो पहुंचने वाले हैं, जो आने वाला समय है उसमें पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर शैल का इस्तेमाल करेंगे। शैल वी रीच द स्कूल इन टाइम, ठीक है। पहुंच जाएंगे के लिए हमने शैल और रीच का इस्तेमाल किया है, हम के लिए हमने उसको बीच में, रीच और शैल के बीच में रखा है। तो शैल वी रीच द स्कूल इन टाइम, समय पर पहुंचने को इन टाइम बोलेंगे। दूसरा है, क्या मेरी बहन ने खाना बनाया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बनाया था, था नहीं लिखा है, था उसमें छिपा हुआ है, लेकिन वो हमें पता चल रहा है कि वो काम पहले हुआ है। तो जो पहले काम होता है, पूर्व में होता है, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। तो उसकी पास्ट क्रिया की हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे। तो अब ये है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने इसको हम यहां से शुरू करेंगे डिड से। डिड माय सिस्टर, मेरी बहन, माय सिस्टर कुक द फूड, कुक द फूड, बनाया, कुक द फूड। क्या शीला ने एक चिट्ठी लिखी, वो भी पहले लिखी थी, पास्ट में हो चुका है, उसमें भी हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक है तो डिड से हम शुरुआत करेंगे। डिड शीला राइट ए लेटर, डिड शीला राइट ए लेटर। अब यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर ऊपर कुक, यहाँ पर राइट, ये जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सिर्फ यहाँ पर शुरू में डिड लग जाएगा। जब तुम ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में अगर डिड लग गया है तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आगे इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्या वह शाम को हॉकी खेलता है। अब यहाँ पर खेलता है ये है, ये पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट का वाक्य है टेंस का। तो हम इसमें खेलता है के लिए वह ही है, वह एक मतलब पर्सन है, तो उसके लिए डज लगाएंगे। तो डज ही प्ले हॉकी इन द इवनिंग, क्या वह शाम को हॉकी खेलता है। डज ही प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अब दूसरा है, सिंपल वाक्य है, सरिता ने मुझे पुस्तक दी, यानी कि सरिता पुस्तक दे चुकी है, पास्ट में उसने दे दिया है। ये सिंपल वाक्य है, तो इसमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, सिंपल वाक्य है। हम सीधे इसको लिखेंगे, सरिता दी गेव, गिव का पास्ट टेंस गेव होता है, तो गेव मी अ बुक, मेरा भाई जीआईसी मानले का विद्यार्थी है, ये भी प्रेजेंट का वाक्य है। तो पहले मेरा विद्यार्थी सब्जेक्ट है, तो उसका इंग्लिश हो जाएगी माय ब्रदर है इज का विद्यार्थी, जीआईसी मानले का विद्यार्थी, इज अ स्टूडेंट ऑफ जीआईसी मानले। वह ताज देखने आगरा गया, गया पास्ट में हुआ है, वो गया है, पहले गया है, तो पास्ट वर्ड के लिए हम यहाँ पर गो वेंट लगाएंगे, ठीक है। तो वह है, लड़का है, गया है, तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ठीक है। अब अगला है, वह अंग्रेजी पढ़ लिख सकता है, सकता है, यहाँ पर सकता है वर्ड जो आया है उसके लिए हम लगाएंगे कैन, वह ये काम कर सकता है। जब यहाँ पर ऐसा आता है, वह लिख सकता है, वह उठ सकता है, वह बैठ सकता है, वह नाच सकता है, वह गा सकता है, तो उसके लिए हम कैन लगाएंगे। तो सकता है, अगर सकती है होता तो शी होता, सकता है तो लड़का है, ही लगाएंगे उसके लिए। ही कैन पढ़ लिख, रीड एंड राइट, पढ़ एंड लिख को क्या बोलेंगे, रीड एंड राइट, क्या इंग्लिश, इंग्लिश। श्रीमान रमेश जी हमको गणित पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहां पर ता है, जहां पर ते है आता है, तो वहां पर वो प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य होता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट डेफिनिट लगाएंगे,
प्रेजेंट डेफिनेट में हम ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रीमान रमेश जी को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टर रमेश पढ़ाते हैं के लिए यहाँ पर हो जाएगा टीच में ईएस लगा देंगे तो टीचर्स, अस क्या पढ़ाते हैं हमको के लिए अस हो गया, क्या पढ़ाते हैं गणित मैथ। श्रीमती गीता अस्पताल में डॉक्टर हैं, श्रीमती गीता को हम बोलेंगे मिसेस गीता, ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, मिसेस गीता है, है, है बोल रहे हैं वो आदर सम्मान से हम है लिखा है लेकिन वो एक सिंगुलर एक पर्सन है तो उसके लिए इस लगाएंगे मिसेस गीता इज ए डॉक्टर, कहाँ है वो अस्पताल में, तो मैं के लिए इन फिर अस्पताल के लिए हॉस्पिटल। उत्तराखंड छोटा राज्य है, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है तो इसके लिए हम लिखेंगे उत्तराखंड इज अ स्मॉल स्टेट। राम देहरादून गया है मतलब कि हमें इसमें ये पता चल रहा है कि अभी प्रेजेंटली वो यहाँ पर नहीं है, वो देहरादून गया हुआ है, तो जो काम हमको पक्का पता रहता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं और प्रेजेंट वर्ब में पहले बताया गया है तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैज या हैव का उपयोग करते हैं। यहाँ पर राम एक सिंगुलर पर्सन है तो राम के साथ हम हैज लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं गो वेंट गॉन, तो यहाँ हम गॉन लिखेंगे तो राम हैज गॉन टू देहरादून। गंगा और यमुना हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा और यमुना हिमालय से निकलती हैं, द गंगाज एंड यमुना ये सब्जेक्ट हो गए तो पहले इसको लिखेंगे द गंगाज एंड द यमुनाज निकलती हैं के लिए राइस कहां से इन द हिमालयाज से के लिए इन द हिमालया हिमालय से निकलती हैं। उसको यह कलम अच्छी लगती है, उसको यह कलम अच्छी लगती है, लगती है लगता है लगते हैं जब आता है तो वर्ब में हम एस या इस का प्रयोग करते हैं, क्रिया यहाँ पर लगती है तो लाइक हो गया, लाइक में हमने एस लगाएंगे तो लाइक्स हो गया और उसको हमने यहाँ लड़का माना है तो वह ही हो जाएगा, ही लाइक्स दिस पेन, यह पेन दिस पेन। अनिल अपना काम कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है उसका, लगातार काम जब हो रहा होता है जब उस वाक्यों के पीछे रहा है तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो हम वहां पर आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इज एम आर के साथ, तो एक पर्सन है अनिल, अनिल एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए इज लगाएंगे हम, तो अनिल अपना काम कर रहा है, अनिल इज डूइंग, डू करना काम कर रहा, करने का इंग्लिश होती है डू, उसमें हम रहा है के लिए आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हिज अपना काम वर्क, अनिल इज डूइंग हिज वर्क। लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां हैं बहुत सारी लड़कियां हैं तो उनके लिए गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स ज्यादा है तो उसमें आर का इस्तेमाल होगा आर, और वो रही हैं डांस के आगे हम आईएनजी लगा देंगे, यहाँ पर देखो इज एम आर मैंने बताया था, यहाँ पर एक पर्सन है तो इज लगा है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज्यादा लड़कियां हैं तो आर लगाएंगे तो गर्ल्स आर डांसिंग। तो मैं आशा करती हूँ तुम्हें यह समझ में आ गया होगा, तो